बड़ी हवेली बैठे ये। किसको मिली है, किस लिए मिली है? ये पोता पे डा कर मराड़े। अच्छा, काल कटोरे में तेरा कर दा। अच्छा, मन प्यारा होया। दो ही टीम्स थी गर्ल्स की, तो मतलब सब ने लाइक बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करा था इसको पाने के लिए। बहुत खुश हैं कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सारे बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हर किसी ने। सर ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम में आए थे और फर्स्ट टाइम में ही प्राइज जीत लिया है। बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत करा है जी, बच्चों ने रिजल्ट दिया, काफी अच्छा दिया रिजल्ट बच्चों ने। ये कार्तिकेय हुड्डा के मेमोरी में फिफ्थ आयोजन है, पांचवा है जी। और पिछली बार तो तालकोटरा में हुआ था, इस बार वहाँ हमने मतलब वो मैनेज हो पाया। ये मेरा सीनियर, मेरा फ्रेंड था, दोस्त था, कार्तिक हुड्डा मेरे से 2 साल सीनियर था। हम लास्ट टाइम 2010 सीनियर नेशनल खेले थे जयपुर में जी जी। उसके बाद बीच में कोई है ना गुजर गए थे, तो उनकी याद में उनके फादर मदर ये कंपटीशन कराते हैं जी। नहीं, हुड्डा भी वाज प्रीटी क्लोज, वी वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स, सो वी आर प्लेइंग इन हिज मेमोरी। कैप्टन प्रियांक अंडर 19 में हमने स्टेट लेवल का, दिल्ली स्टेट लेवल का मैच हुए थे, उसमें हमने मैच खेला है। और आज हमारा वाटर पोलो है सीमा मंगल के स्कूल में, तो आज हमने वो खेला है जिसमें हमारी थर्ड पोजीशन आई। सर ये वाटर पोलो खेलों का राजा है, हम जो जमीन पे खेलते हैं उसमें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इसमें तो उससे कई गुना ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि पानी में आपको स्विम करना एक आर्ट है, और स्विम करने के साथ साथ हमें बॉल के साथ खेलना है और अपोनेंट के साथ रग भी करनी है, तो उसको वाटर पोलो बोलते हैं। नमस्कार, साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई बहुत अभिवादन करता हूँ। नवरात्रों का पावन अवसर है, साची बात की ओर से आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्विमिंग की दुनिया में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरणताल है, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी के सी ब्लॉक में, और ये सी ब्लॉक का गवर्नमेंट सर्वोदय को एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और यहाँ पर जो है फिफ्थ दिल्ली स्टेट कार्तिकेय हुड्डा मेमोरियल की ओर से जो है वाटर पोलो टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हो रहा है। मैं बता दूं आपको कि कार्तिकेय हुड्डा की याद में उनके पेरेंट्स की ओर से हर साल ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। और आप यहां पर देख सकते हैं इस तरणताल में किस तरह से जो है दिल्ली के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जो है पार्टिसिपेंट यहां पर भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, जो अब तक जो जिन टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको यहाँ पर जो है उनको शील्ड देकर के सम्मानित किया जाने वाला है। तो आइए यहाँ पर जो आयोजक हैं, जो कोच हैं, जो प्रतियोगी हैं, उन सब से मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये आयोजन है और इस आयोजन को लेकर के उनका क्या कहना है। आइए सामने कुछ जो प्रतियोगी हैं इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, बताएं अपने बारे में, आप कौन सी कैटेगरीज में पार्ट कर रहे हैं, कहाँ से हैं? मैं अंडर 14 में हूँ, मंगोलपुरी से हूँ। अच्छा सर, हम अंडर 19 में हैं, अंडर 19 में हमने स्टेट लेवल का, दिल्ली स्टेट लेवल का मैच हुए थे उसमें हमने मैच खेला है। और आज हमारा वाटर पोलो है सी ब्लॉक मंगोलपुरी स्कूल में, तो आज हमने वो खेला है जिसमें हमारी थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे आप, चलिए सेकंड पोजीशन के लिए हम दोबारा एक और मैच खेलेंगे, एक मैच और खेलेंगे। अच्छा अच्छा जी सर, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। ये सामने आप देख सकते हैं साउथ दिल्ली की टीम है, और यहाँ पर जो है जींद हरियाणा की ये टीम है, और आज के इस टूर्नामेंट का यहाँ पर फाइनल मैच होने वाला है। अभी इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर होना है, उसके बाद इनके बीच कड़ा मुकाबला होगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, कुछ बताएं सर। पहले तो मैं सच्ची बात के दर्शकों को सबको बोलना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा सीनियर, मेरा फ्रेंड था, दोस्त था, कार्तिक हुड्डा मेरे से 2 साल सीनियर था। हम लास्ट टाइम 2010 सीनियर नेशनल खेले थे जयपुर में जी जी। उसके बाद बीच में कोई है ना गुजर गए थे, तो उनकी याद में उनके फादर मदर ये कंपटीशन कराते हैं जी। तो मैं लास्ट 4 साल से मैं भी कंपटीशन खेल रहा हूं लगातार, आप हर टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। लास्ट ईयर तालकटोरा भी मिले थे आपको, मेरी टीम भी थी जी जी जी। और ये मेरे कुछ जूनियर थे, मेरे साथ के कलीग भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी जी। और आज अपना गेम दिखाते हैं अच्छे से जी, बिल्कुल जी। इंग्लिश में
आप देख सकते हैं सामने कार्तिक के हुड्डा के जो पिता हैं वो टीम के साथ मिलते हुए शिवम साहिर नवदीप हर्षवर्धन अनशास्त्र हमारे साथ इस प्रतियोगिता के आयोजक और कार्तिकेय हुड्डा के माता पिता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। इस आयोजन को लेकर के कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ये कार्तिकेय हुड्डा के मेमोरी में फिफ्थ आयोजन है, पांचवा है जी। और पिछली बार तो तालकोटरा में हुआ था, इस बार वहाँ हमने मतलब वो मैनेज हो पाया, तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो पूल है जी मंगलपुरी का, हाँ जी हाँ जी, यहाँ करवा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे प्लेयर भी आए हुए हैं जी, तो बड़ा मन लगा है हमारा भी, और बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस करके पहुँचे हुए हैं जी, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम समझते हैं कि रिजल्ट भी अच्छा होगा और इन बच्चों में प्रैक्टिस भी होगी और ये इनक्रेज भी फील करेंगे, क्योंकि वाटर पोलो दिल्ली में वैसे ऑलमोस्ट बंद है। अच्छा, सिर्फ हम ही करवा रहे हैं ये प्रतियोगिता भी, और ट्रेनिंग तो चलो कोचेज दिलवा रहे हैं अपने अपने आहिस्ता आहिस्ता, जिनको पता लगता है कि भाई वाटर पोलो की चैंपियनशिप होती है जी सर, तो कुछ कोचेज जो है अपने अपने बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ तैयार टीम जो है यहाँ आई हुई है, दो टीम हरियाणा से भी आई हुई है जी सर, जींद से हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो भी जी। अच्छा कंपटीशन देंगे इनको दिल्ली वालों को जी। अभी भी जो मैच चल रहा है वो दिल्ली और हरियाणा का है, साउथ दिल्ली ओवरसीज हरियाणा जी सर, तो एक गोल हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज की इस प्रतियोगिता में सर कितनी टीमों ने भाग लिया कुछ बताएं? चार तो सीनियर हैं जी और चार ही जूनियर हैं जी, और तीन लड़कियों की हैं जी, तो टोटल समझो के चार चार आठ ग्यारह टीमें हैं, और लीग मैचेज हो रहे हैं, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी जी, नॉकआउट नहीं है जी, तो काफ़ी देर से और बड़े अच्छे से आपस में कंपटीशन चल रहा है, और एक एक टीम को दो 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 तीन तीन मैच खेलने पड़ रहे हैं जी, तो उसमें ये भी नहीं है कि कोई तुक्का लगता है, जो मेहनत कर रहा है जो अच्छे से स्कोर कर रहा है वही जीतेगा जी जी, इससे हमें बड़ी खुशी है जी जी। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो कुछ क्या बोलूँ, कुछ भी मैं बोलने की स्थिति में आज के दिन पता नहीं हो पाती हूँ जी। आप देख सकते हैं कि आज भी अपने बेटे की याद को किस तरह से सजोए हुए हैं और किस तरह से भावुक हो गए हैं, तो चलिए आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का ये मैच यहाँ हो रहा है। हाँ बता दिए, कड़ा मुकाबला साउथ दिल्ली की टीम और हरियाणा की टीम के बीच में, शूट शूट शूट, आगे का
इशारे खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, खिलाड़ी भोजन का लुत्फ उठाते हुए। सामने आप देख सकते हैं कि हर प्रतियोगी को यहाँ पर एक टी शर्ट दे करके प्रोत्साहित किया गया है। बच्चों में, खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि हर खिलाड़ी को प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ गिफ्ट मिले। और ये आप देख सकते हैं सामने की लाइव तस्वीर है इस समय, और अब आप ये देख सकते हैं कि चमचमाती हुई ट्रॉफी और मेडल्स खिलाड़ियों को मिलने ही वाली है। जो दिन भर की जो पूरी मेहनत थी उसके बाद सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर मेडल देकर के पारितोषित करते हुए। ये सामने जनकपुरी की जूनियर वुमेन्स टीम है जिन्होंने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया और सभी को मेडल्स मिले हैं और सभी बच्चे बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज कैटेगरीज क्या थी, किस तरह से पार्टिसिपेट किया कुछ बताओ। दो ही टीम्स थी गर्ल्स की, तो मतलब सबने लाइक बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करा था इसको पाने के लिए, तो बस। हाँ, कैसा लगा? सब ने एंजॉय करा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे और स्विमिंग में ही आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। ये सामने जो है बच्चों के पेरेंट्स हैं, बताएं कुछ अपने बच्चों को लेकर के, किस तरह से उनको आप प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत खुश हैं कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सारे बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हर किसी ने, बहुत खुशी हुई। और काफी वक्त से ये लोग बहुत सर के साथ बहुत मेहनत कर रहे थे। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम में आए थे और फर्स्ट टाइम में ही प्राइज जीत लिया है। आप सर की मेहनत है, बच्चों की भी है, तो आज रंग लाई है। आपकी कितनी मेहनत है? सर हमारी भी 6 महीने की है, 6 महीने की मेहनत है हमारी भी। चलिए, आप कुछ कहेंगे? बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। हाँ, हमारे बच्चे और आगे तक जाए, बहुत खुश हूँ। ये बच्चों के कोच है, बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत करा है जी। बच्चों ने रिजल्ट दिया, काफी अच्छा दिया रिजल्ट बच्चों ने। 6 महीने से बच्चों प्रैक्टिस कर रही है, काफी 6 महीने। हाँ, 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस साल स्विमिंग सीखे हैं बच्चों ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम आया कॉम्पिटिशन में, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पूल देखे बच्चों ने। अच्छा, मुझे काफी खुशी हुई है, बच्चों ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। जो आयोजक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? जो आयोजक है उनके बारे में क्या? अच्छा, बहुत अच्छा लगा इनको। चलिए, अच्छी है सर, चलिए, धन्यवाद। अजय रेंजे कामया आ गया। अमित सामने आप देख सकते हैं साउथ दिल्ली की टीम जो रनर अप रही है सेकंड पोजीशन, और इतनी खुशी उत्साह। और ये सामने हरियाणा जींद की टीम जो कि फर्स्ट पोजीशन पर रही है, शील्ड प्राप्त करते हुए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड देते हुए, बेस्ट गोलकीपर फ्रॉम हरियाणा। गर्ल्स की टीम है झंडेवालान से, गर्ल्स की टीम जनकपुरी से बेस्ट प्लेयर अवार्ड वुमेन्स में। ये सामने मंगोलपुरी की टीम है, कितना उत्साह, कितनी खुशी इनके बीच आप देख सकते हैं अवार्ड प्राप्त करते हुए माता जी के द्वारा, विनर ट्रॉफी प्राप्त करते हुए मयूर बिहार की टीम। बॉयज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज बेस्ट प्लेयर का। अम्मा राम 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 बेटे राम राम। ये शील्ड आपको क्यों मिली है आज, बताएं कुछ थोड़ा बहुत। किसको मिली है, किस लिए मिली है? ये पोता पड़ा कर दा मराड़े। अच्छा, काल कटोरे में तेरा कर दा। अच्छा, राम ने प्यारा होया। अच्छा, और राम ने प्यारा होया, एक का पोता था। अच्छा, तो आज आप बहुत खुश हैं? हाँ, आज तो मर्जन कर दे को खुश आज। चलिए, इसी तरह से खुशी बनी रहे सभी के लिए, धन्यवाद।
हमारे साथ मिस्टर देबू राणा है जो कि कोच है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपना परिचय खुद ही एक बार दे दें। सर मेरा नाम देबू राणा है, मैं फिना रेफरी हूँ। इंडिया की टीम में कई बार वाटर पोलो की बाहर लेके गया और वहाँ से मेडल लेके आए। सर ये आज जो वाटर पोलो टूर्नामेंट था 2023, इसके बारे में कुछ बताएं, आखिर ये खेल है क्या? क्योंकि सभी लोग स्विमिंग से नहीं है तो कुछ लोग जानते नहीं होंगे वाटर पोलो है क्या। सर ये वाटर पोलो खेलों का राजा है। हम जो ज़मीन पे खेलते हैं उसमें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इसमें तो उससे कई गुना ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्योंकि पानी में आपको स्विम करना एक आर्ट है और स्विम करने के साथ साथ हमें बॉल के साथ खेलना है और अपोनेंट के साथ रग भी करनी है, तो उसको वाटर पोलो बोलते हैं। तो सर भारत में इस खेल को लेकर के कितनी वो इसकी उपलब्धियाँ हैं या किस तरह का खेल है? सर वाटर पोलो में एशियाड 82 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला था हमें जी। उसके बाद अभी हमारी टीम एशियाड में एक बार ही गई है गर्ल्स की, बाकी शायद अभी आने वाले टाइम में हमारे कैंबर अच्छे लग रहे हैं तो हो सकता है हम एशियाड ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। सर ये पांचवा जो है दिल्ली स्टेट कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा मेमोरियल की ओर से टूर्नामेंट था, तो इस जो आयोजन कमेटी है उसके बारे में कुछ बताएं सर। सर हमारा बहुत ही होनहार प्लेयर कार्तिकेय हुड्डा, जिसने इंडिया कैंप भी अटेंड किया हुआ था, दिल्ली का बेस्ट वाटर पोलो प्लेयर स्विमर था, उसकी मतलब आकस्मिक डेथ हो गई है। उसका मतलब पेरेंट्स के पास सिंगल चाइल्ड था, वो उसकी याद में दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों से वाटर पोलो का कंपटीशन कर रहे हैं। वैसे दिल्ली की वाटर पोलो ख़त्म हो रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझो, तो ये हुड्डा फैमिली के एफर्ट से ना हम हर साल वाटर पोलो कुछ ना कुछ करा रहे हैं। सर ये इतना अच्छा खेल होते हुए आपने बताया कि ख़त्म हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? सर दिल्ली में पॉलिटिक्स बहुत है, हमारी एसोसिएशन जो दिल्ली से वाटर पोलो का बेड़ागरा कर रही है उसके पीछे मेन हमारी दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन का रोल। ठीक है, और कुछ खास सर? बस सर एफर्ट्स कर रहे हैं कि दिल्ली को हम कहीं किसी लेवल पे ले जाएं, दिल्ली के बच्चों को अच्छे से हम जो मैक्सिमम बेस्ट करा सकते हैं वो वाटर पोलो में कराएंगे। चलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी आपने मिस्टर देबू राणा को सुना कि वाटर पोलो जो कि एक बहुत ही अच्छा खेल है और वो किस तरह से ख़त्म हो रहा है, अपना डाउनफॉल पर है, और उसके लिए उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स को जिम्मेवार ठहराया, तो इस पर आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं, जल्द मिलूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।